तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मिस का सुप किचन। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ जो सबको बहुत ही पसंद है, यानी जोधपुर की प्याज की कचौड़ियाँ। देखिए कितनी करारी और डिलीशियस लग रही है, अंदर से देख रही है मसालेदार और बाहर से बिल्कुल करारी करारी कुरकुरी कुरकुरी सी हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 2 कप मैदे को अच्छे से छान लिया है, जिससे कि इसके अंदर जो भी इम्प्योरिटीज़ हो वो अच्छे से छन जाए। तो 2 कप मैंने मैदा लिया है और इनको अच्छे से हम छान लेते हैं। हर चीज़ मेज़र करके बनाएंगे तो आपकी कचौड़ियाँ बिल्कुल अच्छे से बनेंगी। परफेक्ट मेजरमेंट करेंगे तो अच्छे से अच्छी कचौड़ियाँ बनेंगी। इसलिए कोशिश करें कि जो चीज़ इसमें यूज़ करें वो परफेक्ट मेजरमेंट के साथ ही यूज़ करें। अब इसमें मैंने 1 कप अजवाइन और 1 चम्मच नमक डाल दिया है। अजवाइन को हाथों से क्रश करके डाला है और ये 1/2 कप ऑयल को अच्छे से इसमें मिला देंगे और मैदे में अच्छे से मिक्स कर देंगे। इनसे हम इनको मोयन देना है। हमें मोयन देने से हमारी कचौड़ियाँ करारी और खस्ता बनती हैं। तो मोयन इसको अच्छे से मिला लेते हैं और हाथों में लेकर हम लड्डू बनाते हैं। अगर लड्डू हमारे बन जा रहे हैं, यानी आटे से जगह लड्डू बन रहा है, तो यानी हमारे आटे में मोयन ठीक है। तो ये एक तरीका है आप जानने का कि हमारे आटे में मोयन सही दिया गया है कि नहीं दिया गया है। देखिए लड्डू अच्छे से बन रहे हैं, यानी मोयन परफेक्ट है हमारे इसमें। तो मेज़रमेंट को ध्यान देना ज़रूरी होता है। तो देखिए इसमें हम अब पानी की सहायता से इसको हेल्प से हम इसके एक अच्छा सा मुलायम सा डो तैयार कर लेते हैं। इनको अच्छे से मसल मसल कर हम आटे को गूंथेंगे। हम आटे को जितना अच्छा गूंथते हैं हमारी कचौड़ियाँ उतनी ही करारी बनती हैं। तो देखिए अभी आटे को थोड़ा सा अच्छे से गूंथ दिया है, लेकिन इसको हम 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देते हैं। तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं, उस पर फिर से अच्छे से मसलेंगे हम। तो आटे को हम कवर कर देते हैं जिससे कि हमारा अच्छे से आटा फूल जाए। अब हम गैस पर कढ़ाई रख देते हैं और इसमें 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच साबुत धनिया और 1 चम्मच हम इसमें सौंफ डालते हैं और इनको बिल्कुल लो फ्लेम पर रोस्ट करते हैं। जब तक इसमें अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगती है तब तक इसको हम रोस्ट करते हैं। आपको पता है कि सब खड़े मसाले में अच्छी सी खुशबू होती है, तो इनको हम ध्यान देते हैं कि गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखते हैं, क्योंकि अच्छे से अगर गैस की फ्लेम हाई रहेगी तो वो जल सकता है। तो इनको हम बिल्कुल लो फ्लेम पर ही रोस्ट करेंगे जिससे कि इनकी अच्छी सी स्मेल आकर बाहर आ जाए। तो मसाले हमारे अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, कलर काफ़ी थोड़ा चेंज लग रहा है। थोड़ा और उसको रोस्ट करते हैं, थोड़ा सा अच्छे से नहीं हुए हैं क्योंकि इनको हमें ग्राइंडर में ग्राइंड करके एक दरदरा सा पाउडर बनाना है। तो देखिए हमारे जो मसाले हैं, ये खड़े मसाले ने जीरा धनिया और सौंफ अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। इनको हम कुछ देर के लिए रख देते हैं जिससे कि ये ठंडे हो जाए। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इनको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो देखिए मसाले हमारे ठंडे हो गए। इनको हमने मिक्सी में डालकर एक बारीक सा नहीं दरदरा सा हमने पाउडर बना लिया है। अब ये देखिए प्याज हैं और इनको हम बारीक काट कर हमें इनको मोटा नहीं काटना है, बारीक काटना है। अगर आप ये मेरे प्याज छोटे छोटे हैं, अगर आप बड़े प्याज लेंगे तो चार जो है छोटे बड़े प्याज लें और इनको बिल्कुल बारीक कट कर लें। आप चाहे तो हाथों से कट कर लें या फिर आप चाहे तो चॉपर में चॉप कर लें। अब बस इनको चाहिए कि हमें इसमें प्याज जो है बिल्कुल बारीक चाहिए।
इस बात का ध्यान देना है। तो देखिए प्याज को हमने अच्छे से बारीक कर लिया है। ये दो उबले हुए आलू हैं, इनको भी हम छीलकर मैश कर लेते हैं। आलू को छील लिया, इनको अच्छे से मैश कर लेते हैं और साइड में रख देते हैं। अब हमने गैस पर कढ़ाई रख दी है, उसमें 4 चम्मच के करीब मैंने तेल डाला है। इसमें ज़्यादा तेल नहीं यूज़ करना है, 4 या 5 से ज़्यादा तेल आप मत यूज़ करिए, क्योंकि बहुत कम तेल लगता है। अब इसमें जो मैंने मसालों को भी ग्राइंड किया था ना, उसको इसमें डाल देते हैं और इसको भी लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इसको हम भूनते हैं। इन बातों का ध्यान देना है कि गैस की फ्लेम को बिल्कुल भी हाई मत करिए, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी जल जाएगा मसाला ना, तो हमारी कचौड़ियाँ अच्छी नहीं बनेंगी। तो गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और इसको अच्छे से भून लेते हैं। ऑलरेडी हमारे मसाले अच्छे से रोस्ट हैं, तो ज़्यादा देर इनको हमें नहीं भूनना है, बस ये अच्छे से तेल में अच्छे से मिक्स हो जाए, इतना करना है। अब इसमें मैंने हींग डाल दिया है, 1/2 चम्मच के करीब हींग है। हींग से खुशबू बहुत अच्छी आती है और डाइजेशन के लिए भी हींग अच्छी होती है, तो हींग को भी इसमें डालकर अच्छे से मिला देते हैं, जिससे कि हींग की खुशबू अच्छे से मसालों में मिल जाए। तो देखिए मसाले का कलर काफ़ी अच्छा चेंज हो गया है। अब इसमें मैंने दरदरा कुटा हुआ लहसुन, मिर्ची और अदरक का दरदरा कुटा हुआ पेस्ट है, इसको भी इसमें डाल देते हैं और इसको अच्छे से भून लेते हैं। हमारी जो लहसुन, प्याज और अदरक है, अच्छे से इसमें भून गया है। अब इसमें हम डाल देते हैं कटे हुए प्याज। मसालों को अच्छे से भून लेते हैं, कुछ जल्दबाजी नहीं करते हैं। मसाले जितने अच्छे भूने जाएंगे, तो प्याज को हम इसमें ऐड कर देते हैं और प्याज को भी इसमें अच्छे से मिलाते हुए पकाते हैं, क्योंकि प्याज है तो वो पानी छोड़ता है, इसलिए इसको अच्छे से पहले पका लेते हैं। और हम नमक ऐड कर देते हैं। नमक ऐड करने से क्या होता है कि जो प्याज होता है ना, वो जल्दी से पानी छोड़ देता है और प्याज जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। प्याज में खुद का मॉइस्चर होता है, तो इसलिए कचौड़ी बनने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहले प्याज को हम अच्छे से पका लेते हैं और प्याज को अच्छे से भून लेते हैं। हमें प्याज को ब्राउन नहीं करना है, बस इतना करना है कि प्याज हमारे सॉफ्ट हो जाए। अब मेरे बताए ट्रिक से आप अगर कचौड़ियाँ बनाएंगे ना, तो सच में बहुत अच्छी अच्छी बनेंगी। अब इसमें मसाले ऐड कर देते हैं। मसालों में हमने 1.5 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर ऐड किया है। आप चाहें तो लाल मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप मैंने इसमें कुछ मिर्ची, हरी मिर्ची को कूट कर डाला है, तो मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर नहीं ऐड किया है अभी। मैं बाद में थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऐड करूँगी, लेकिन अभी नहीं, पहले इनको अच्छे से भून लेते हैं। अब इसमें मैंने 1 चम्मच के करीब चिली फ्लेक्स ऐड कर दिया है और इनको भी अच्छे से मिलाते हुए पका लेते हैं। अब इसमें मैंने 2 चम्मच बेसन डाल दिया है। बेसन आप चाहो तो पहले से रोस्ट भूज के, यानी रोस्ट करके तब डालो, लेकिन मैंने ऐसे कच्चा डाला है, क्योंकि ये मसालों के साथ अच्छे से भूज जाएगा, कच्चापन बिल्कुल नहीं रहेगा, अच्छे से पक जाएगा। तो कितना अच्छा कलर लग रहा है ना, मसाले कितने अच्छे तैयार हो रहे हैं। मसाले जितने अच्छे तैयार होते हैं, सर कचौड़ी उतनी अच्छी बनती है। तो मसालों को अच्छे से मैंने भून रहा है, इनको चलाते हुए पका लेते हैं अच्छे से मसालों को, जैसे मसाला जो हमारा बेसन है वो कच्चापन बिल्कुल ना रहे, अच्छे से इसको चलाते हुए पकाते हैं। इस बात का ध्यान देना है कि गैस की फ्लेम को लो ही रखना है, हाई बिल्कुल नहीं रखना है, और मसालों को अच्छे से भून लेते हैं। अब इसमें मैंने 1/2 चम्मच के करीब चीनी डाली है। चीनी से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहें, अगर आपको चीनी नहीं पसंद है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन आपको चीनी डालने से, क्योंकि 1/2 चम्मच ऐड कर रहे हैं तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट टेस्ट थोड़ा चेंज हो जाता है, अच्छा लगता है। अब इसमें मैंने हम आलू को जो मैश किया है उसको ऐड कर देते हैं और अच्छे से इसको, इनको भी मिला लेते हैं।
आलू को और बेसन ऐड करने से क्या होता है कि हमारे जो ये कचौड़ी का मिक्सचर तैयार हो रहा है ना, ये अच्छे से बाइंड अप होता है। इनको देखिए, आलू को अच्छे से मिला दिया है जिससे कि हमारी जो प्याज है वो अच्छे से बाइंड हो जाए। अगर हम प्याज का बनाएंगे तो वो फटती हैं, तो आलू और बेसन ऐड करेंगे तो फ्लेवर भी अच्छा आता है और अच्छे से बाइंड भी होती हैं, हो जाता है मिक्सचर, कचौड़ियाँ बिल्कुल फटती नहीं है। इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हम। अब इसमें हम करीब आधा नींबू का रस डाल देते हैं। नींबू का रस से अच्छा सा खटास आता है और थोड़ा सा गर्म मसाला। आप नींबू की जगह खटाई या अमचूर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन नींबू है मेरे पास तो मैं नींबू ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप अमचूर या खटाई का मसाला आप जो भी ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं। और इसमें मैंने अब धनिया डाल दिया है, हरी धनिया। और गर्म मसाला करने डालने से तो फ्लेवर अच्छा आता ही है, और हरी धनिया तो भाई हर चीज़ की जान होती है, सब्जी और किसी चीज़ की। तो अब इनको अच्छे से मिलाते हुए हम मिक्स कर देते हैं और इनको हम एक प्लेट में निकाल देते हैं, जिससे कि हमारे मसाले अच्छे से ठंडे हो जाएं, जो हमारे कचौड़ी का मिक्सचर है वो अच्छे से ठंडा हो जाए। अब देखिए करीब 15-20 मिनट हो गया है। अब कचौड़ियों को हम अच्छे से मसल मसल कर, आटे को फिर से मसल मसल कर अच्छे से हम इसको फिर से गूंथ लेते हैं। अब देखिए ना, ये हमारा जो मसाला है वो अच्छे से ठंडा भी हो गया है, और देखिए कितने तक सब बाइंड अप हो रहा है। ऐसे ही हम गोल गोल कर लेंगे तो हमें कचौड़ियाँ फिल करने में आराम रहेगा। अब हमने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें हम तेल डाल देते हैं। अब देखिए कचौड़ियों को हम कैसे भरते हैं। हाथ में थोड़ा सा आटा ले लेते हैं, यानी जो मैदा हमने गूंथा है उसको ले लेते हैं, और इनको कटोरी की तरह इनको बना लेते हैं आटे को। लेकिन जब मैं बना रही हूँ ना कटोरी, अभी कटोरी जैसा होता है, इसमें जो हम एक जो हमने मिक्सचर का लड्डू बनाया है ना उसको इसमें फिल कर देते हैं और अच्छे से देखिए मोड़ते हुए ऐसे इसको बाइंड कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो ऊपर से एक्स्ट्रा आटा निकाल सकते हैं, मैदा निकाल सकते हैं, और ऐसे ही सारी कचौड़ियों को दबा दबा कर हम फिल कर लेते हैं। देखिए कि अब हमारा तेल भी गर्म हो गया है, इसमें हम कचौड़ियों को डाल देते हैं। और इनको बिल्कुल उलट पलट कर अच्छे से इनको हम गोल्डन होने तक पकाते हैं, जिससे कि कचौड़ियाँ अच्छे से ऊपर से बिल्कुल करारी करारी हो जाएं। तो देखिए कचौड़ियों का कलर कितना अच्छा लग रहा है। ऐसी सारी कचौड़ियों को हमको गोल्डन होने तक पकाना है। देखिए कचौड़ियों का कलर चेंज हो गया, गोल्डन हो गई, यानी हमारी कचौड़ियाँ अच्छे से पक चुकी हैं। अब इनको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। ऐसे ही हम सारी कचौड़ियों को हम फ्राई कर लेते हैं, यानी तल लेते हैं। तो देखिए हमारी कचौड़ियाँ बनकर तैयार हो गई हैं, बिल्कुल डिलीशियस, जोधपुर की फेमस प्याज की कचौड़ियाँ। मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ कैसे कितनी अच्छी लग रही हैं। ये देखिए कट करके दिखाया है क्योंकि गर्म है अभी कचौड़ियाँ मेरी। बिल्कुल देखिए अंदर से कितनी अच्छी लग रही हैं, मसाला कितना अच्छे से बना हुआ है। और इसको आप एक बार ट्राई करेंगे तो हमेशा बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जरा बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।